उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तीन दलित बहनों पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दो दिन बाद आरोपी को काबू किया है। आरोपी ने बीते सोमवार को वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यहां तक कि आरोपी को पकड़ते समय पुलिस और आरोपी में मुठभेड़ भी हो गई, जिसमें आरोपी चोटिल हो गया। पुलिस ने आरोपी आशीष को हिरासत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज में इलाज के लिए भेज दिया है। मामला परसापुर थाना क्षेत्र के पक्का गांव का है, जहां घर में सो रही तीनों बहनों पर आशीष ने तेजाब फेंक दिया था। एसिड अटैक में बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई थी। दो छोटी बहनों पर भी तेजाब के छींटे पड़े, जिसके बाद आनन फानन में तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि तीनों लड़कियां नाबालिग हैं। इलाके के लोगों की माने तो बड़ी बहन हाई स्कूल पास है, उसकी शादी भी कहीं पर तय हुई है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि एसिड अटैक में बड़ी बेटी 35% झुलस चुकी है, दूसरी बेटी 25 और तीसरी बेटी 5%। पीड़िता के पिता का कहना है कि घटना के बाद उन्हें लगा कि शायद सिलेंडर की आग में बेटियां झुलस गई है, लेकिन बाद में पता चला कि किसी अज्ञात शख्स ने तेजाब से हमला किया है। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलते ही आईपीसी की धारा 326A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार देर शाम एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि घटना के बाद से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस को अशोक के कर्नलगंज हुजूरपुर रोड की ओर जाने की सूचना मिली थी। आशीष का पीछा कर पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आशीष के पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज में इलाज के लिए भर्ती कराया। सीएम योगी ने मंगलवार को मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए थे। सीएम योगी ने साथ ही पीड़ितों को उचित इलाज और आर्थिक सहयोग मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन बच्चियों के साथ एसिड जैसा केमिकल डाला गया है उनके ऊपर, और वो जो है एक जिसमें बच्ची काफी चेहरे पर उसको 15-20% वो जल गई थी। उसमें अभी पुलिस द्वारा जब विवेचना की गई है तो एक आशीष और छोटू उसी गांव का रहने वाला है, और उसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। पुलिस आशीष और छोटू की तलाश में थी। जब यहाँ उसकी तलाश में थी तो वो अभियुक्त जो है इधर बाइक से आता हुआ दिखाई दिया, और उसने पुलिस की जब गाड़ियाँ अचानक देखी उसकी बाइक फिसल गई, और उसने अवैध असलहे से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें उसको फायर आर्म से इंजरी से चोट आई है, और इसको इलाज हेतु भेजा गया है। इस तरह जो एसिड अटैक का आरोपी है ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। किसने डाला ये एसिड, किसने फेंका, तेजाब किसने फेंका? कहाँ, किसके किसके ऊपर डाला है? हमारे ऊपर डाली है, तीनों जन के ऊपर पड़ा है। किसी से कोई विवाद है, किसी से कोई झगड़ा चल रहा था? कुछ झगड़ा हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे गांव के ही लोग हैं, कौन हो सकते हैं ये? गांव का पता नहीं था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.